दोस्तों, आज मैं आपको एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो सामने आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये चीकू का पेड़ है। और मैं आपको बताऊंगा कि चीकू में जैसे फलदार पौधों को एयर लेयरिंग के माध्यम से कैसे तैयार किया जा सकता है, इससे बड़े अच्छे हेल्दी पौधे तैयार होते हैं। तो आइए आपको मैं एयर लेयरिंग के बारे में बताता हूँ। एयर लेयरिंग के लिए जो बेसिक सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है, ये तो है मॉस घास, बेसिक में मॉस घास हो गया। इसके बाद हमको ज़रूरत है सेरेडेक्स पाउडर की, जो ग्राफ इसकी कटिंग में जड़ें देने के में मदद करेगा। ये हमारे पास कटर है, ये कटर उसकी रिंग बनाने में हमारी मजबूत करेगा, या इधर जो जब ज़्यादा डायरी टहनियाँ वगैरह होंगी उनको काट के निकालने के लिए काम आएगा। ये एक चाकू है, ये साफ चाकू हमारे पास है। एक ये है, ये धागा है जो हम उसके चारों तरफ लपेटेंगे, अभी आपको बता देंगे कि इसका क्या उपयोग है। और एक ये प्लास्टिक की थैली में से काट के हमने एक वो बनाया है, ये हमारा मेटेरियल है जिसको अभी हम आपको बता रहे हैं कि इनका कैसे उपयोग करेंगे। ये घास मॉस घास है। सबसे पहले हमने ये टहनी इसकी सेलेक्ट कर ली है, ये मजबूत टहनी है, और इसमें हम आपको ग्राफ्टिंग करके बताएंगे एयर लेयरिंग के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले हम एक रिंग बनाते हैं। इस आप देखें कि ये एक चारों तरफ से करीब 1 इंच मोटी, ये जो इसकी जो ऊपर की छाल है इसको निकालते हैं हम, और ये चारों तरफ से इसके चाकू के माध्यम से हम इसका एक रिंग बना के और इसको अलग कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा ये रिंग बन जाएगी। ये हमारा ऊपर का जो इसका जो छिलका है, बकल है, इसको अलग कर लेंगे। ये तरीके से हम इसकी हटा देते हैं। अब ये जो हमने लेयर बनाई है, इसमें हम एक ये जो जड़ निकलने में काम आता है, ये पाउडर जो है इसको हम इसके चारों तरफ लगा देते हैं। और ये चारों तरफ लगाने के बाद, अब इसके बाद हमने ये कि प्लास्टिक की एक थैली जो थी कटिंग काट के एक ले ली है, और इसके बाद इस पर ये मॉस घास हमने रख लिया, थोड़ा पाउडर सेरेडेक्स पाउडर जो कटिंग का था वो इसके साथ लगा दिया कि इसको इसमें मदद मिल जाए। और ये हम इसके साथ लगा के चारों तरफ इस तरीके से, और ये इसके चारों तरफ हम इसको लपेट देते हैं। ये एक इसके चारों तरफ हमने इस थैली को लपेट दिया, और इसके बाद अब हम इसको एक धागे से बांधेंगे। अब ये जो एक धागा लेकर हमने इसके चारों तरफ ये जो हमने तैयार किया है इसको इसके लपेट देते हैं इस तरीके से। ये मॉस घास के उसको हमने लपेट दिया दोनों तरफ, इसके जो है उन सिरों पर अच्छी तरह इसको बांध देते हैं। स्टार्ट। अब ये जो हमने दोनों तरफ इसको धागे से बांध दिया और ये हमारा काम पूरा हो गया। अब 21 दिन कम से कम इसमें लगेंगे, तब इसमें जड़ें आ जाएंगी। हमने इस घास को थोड़ा सा मॉस घास को पहले गीला कर लिया था, भिगो लिया था पानी से, इसलिए इसमें नमी रहेगी। और फिर अभी जैसे आगे गर्मी आ रही है तो इसमें हम 8-10 इसमें सुए से छेद कर देंगे और फिर स्प्रे से इसमें पानी छिड़क देंगे अगर जैसे सूखने लगेगा तो। और 20-21 दिन बाद हम आपको दिखाएंगे दोबारा कि इसमें किस तरीके से जड़ें आती हैं। इस तरीके से चीकू में फलदार पौधा जल्दी तैयार करने के लिए हमने ये तैयार कर दिया। जो ही इसमें तैयार जड़ें आ जाएंगी इसको इस यहाँ से काट के हम और इसको अलग उसमें लगा देंगे, ज़मीन में लगा देंगे, और 2 साल बाद ही इसमें बढ़िया चीकू आने लग जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।